है तो विपक्ष को मांग करना चाहिए। सत्ता पक्ष ने कब किसी भी मामले में जिसपे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला हो, उस पर कब कार्रवाई नहीं की है? किसी भी तरह से जो है सदन को डिस्टर्ब करना इनका मकसद है। और भ्रष्टाचार के बहुत मामले पिछले डबल इंजन की सरकार में रहे, उन सब मामलों पर जांच कब मांगेंगे? उस भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग हैं वो सदन में बैठ करके हल्ला हंगामा कर रहे हैं, उन लोगों पर जांच क्यों नहीं मांगते हैं लोग? नाम मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। राजीव अरुण लेखर के मामले में कह रहे हैं कि आप लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, लगातार ईडी संबंध कर रहा है, वीडियो वायरल हो गया। इनको जो है इस देश में कोई लोकतंत्र नहीं मानना, कोई संविधान नहीं मानना, कोई लॉ एंड ऑर्डर किसी प्रक्रिया को नहीं मानना। ये अगर बोल दें तो सुबह हो जाए और ये बोल दें तो शाम हो जाए, ऐसा चाहते ऐसा नहीं है। देश में संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको फॉलो किया जा रहा है। ट्रांसफर क्या सजा है? क्या ट्रांसफर करना सजा है? क्या किस बात के लिए ट्रांसफर? आप लोग मीडिया ट्रायल करके किसी को दोषी करार कर देना चाहते हैं? ये कम से कम जो संविधान को माना, आप लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं और आप लोग की जिम्मेदारी है। इसका जवाब मुझे यही कहना है कि आप ही लोग कोर्ट भी बन जाइए, आप लोग जज बन जाइए और सब सजा दे। जो अगर वो किसी सजा के हकदार हैं तो प्रक्रिया से होगी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं?